जानकारी लेते हैं, जो इतना बड़ा जन सैलाब है और किसान पूरे भारत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और पहले भी यहाँ इकट्ठे हुए थे, हमारे बीच में जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, और आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। सर, आपकी मांगें क्या हैं? आपने पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया बहुत तादाद के अंदर, और आज भी आपने पूरे भारत के किसान इकट्ठे किए हैं। जी, मांगे ऐसा है, किसान जब मर रहा है उसे क्या चाहिए? वो कर्जे के कारण मर रहा है तो कर्जा मुक्ति चाहिए। आगे कर्जा ना हो तो उसे अगली अपनी फसल का डेढ़ गुना दाम, जो उसकी लागत का दाम है उसका डेढ़ गुना चाहिए। और ये नई बात तो नहीं है, ये बात तो मोदी जी ने भी कही थी, चुनाव में कही थी, अब मोदी जी पलट गए। इसलिए पूरे देश के अंदर भ्रमण करके 184 संगठन जो हैं एक हुए हैं, और हम मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी तुमने वायदा किया था अपना वायदा पूरा करो, वायदा तुम्हें निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे हम पूरे मुट्ठी बंद हो गए हैं। अलग अलग नहीं है, ये ट्रेलर है, पिक्चर तुम्हें 19 में दिखेगी। फिर सर मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो किसानों का विकास नहीं है? आपके सामने है ना, यहाँ पर आपको असम के लोग दिखेंगे, तमिलनाडु के लोग दिखेंगे, पंजाब के दिखेंगे, कर्नाटका के दिखेंगे, तमिलनाडु, मतलब हर प्रांत के लोग हैं यहाँ पर, और उनको बताओ ना किसका विकास हुआ है? किसी का विकास नहीं हुआ, केवल मोदी जी को सबका साथ मिला है वोट के तहत। अब कहते हैं जुमले की बात करते हैं, जुमला नहीं चलेगा, किसान मुट्ठी बंद हो गया है, अब किसान कहता है मोदी जी वायदा किया है ना निभाओ, नहीं निभाओगे तो जाओ, और बात ही नहीं। अब सर ये सभी लोग कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर क्या है जिसे लागू करवाना चाहते हैं? हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने खुद माना है अपने चुनाव में 309 रैलियों के अंदर, वो है जितनी लागत होती है फसल की उसका डेढ़ गुना दाम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। अगर एक रुपया लगता है तो डेढ़ रुपया मिलेगा ना भाई, ये थोड़ा ना होगा, एक रुपया लागत है और 90 पैसे आपने समर्थन मूल्य कर दिए तो किसान पर कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो इसलिए जो है स्वामीनाथन पर केवल एक ही मांग है सबकी, और पूरे 184 लोगों की एक ही मांग है पूरे देश के अंदर कि डेढ़ गुना लागत का जो दाम है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा हर फसल का हो, और वो सरकार को लेना पड़ेगा, अगर कोई उससे कम खरीदता है तो 3/7 में उसको जेल जाना पड़ेगा।